I want to tell you something. Okay. I'm a huge fan of yours. Really? Yeah. I'm a huge fan of yours. Yeah, no, that's good. You watch my vlogs? Always. Yeah, me also. Nice. Hello, guys. Yo! Yo! हमारे पास मेहमान आया हॉलैंड से, पाकिस्तान में था आजकल, आज ही आया हमारे पास। चार मिनट पहले भी आया था तो इसे हमारा विलेज पसंद आया था। वे तुझे इंग्लिश आती है? ओ अल्लाह का शुक्र, एमए। अबे क्या एमए, इंग्लिश आती है या नहीं ये बता। अबे पूछ यार। उसने अपना काम किया और करता ही गया। इसको इंग्लिश में कर। वर्क इज डन, डन 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 डन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप में से काफी सारों को पता होगा कि यूट्यूब पे मैं ब्लॉगिंग करता ही करता हूँ। तो अगर आप मुझे वहाँ पे नहीं जानते तो आप यूट्यूब पे जाके ज़ैनुल आबिदीन सर्च कर सकते हैं। ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे तो मैं ब्लॉगिंग करता ही करता हूँ। तो हम जस्ट थिंकिंग, मैं बस सोच रहा था कि क्यों ना टिकटॉक पे भी एक मिनट की ब्लॉगिंग की जाए, क्योंकि यहाँ पे तो एक मिनट की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो एक मिनट की मैं वीडियो अपलोड किया करूँ तो क्या कहते हैं आप लोग, बताएं। डायलॉग बोलो। अजीदारी काम करा करो, हंडी ने निकला है एक को कटवान गया। अब जा सीधा काम करने के बाद इसकी मूर्ति बन जाती है। लेकिन ये अहमद एक और डायलॉग बोलो। एक और हंडी ने निकला है एक को कटवान गया। अरे ये छिपकली का खून कहाँ से आया? ये फारसी में डायलॉग बोले जा रहे हैं। अहमद पारी, अफजल पारी, चलो सबको अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़। और कहो कि कल फिर हम नया डायलॉग सुनाएंगे। मेरे जिगर के टुकड़े, कभी भी लाइफ में खुद को बेकार मत समझना कि तुमको आइडिया नहीं है कि तुम्हारी एक किडनी मुझे आईफोन जरूर दिला सकती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं यहाँ पर कनाडा आ गया हूँ और यहाँ का वेदर बहुत भी है। और चाचा तुम बात हो बेचनी, मैंने वीडियो तो बना लेंदे। यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। क्या हो गया यार, कैसे बताऊँ तुझे? मुंह से बोल, ट्राई तो कर। ओए सुन, कसम से यार बड़ा मजा आता है जब तू बोलती है गुस्से में कि मारूंगी बहुत अगर छोड़ के गया तो। अरे भाई सुनना। हाँ बोलना भाई। एक बात पूछो क्या? हाँ पूछना। तेरी वीकनेस क्या है? उसके आंसू। अच्छा, और तेरी स्ट्रेंथ क्या है? उसकी हंसी। क्या वो तेरी जीएफ है? नहीं रे, मेरी मम्मा। उसकी सारी पिक सेव करते हो ना, अंदर ही अंदर उसकी बहुत तारीफ करते हो ना, तुम्हें शायद पता है उससे वापस तुम्हें प्यार नहीं मिलने वाला, फिर भी मोहब्बत करते हो ना। तुझे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है। वाह वाह। मुझे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है, भरोसा गालबन खुद पर ज्यादा कर लिया।